लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नव निर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्धि योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड्स का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य हैं और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात यह बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो जो अब जो प्रण है भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी। और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था, वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर यक्ष गंधर्व सुर नर हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ संप्रदाय मत मतांतर
सभी धर्मों के धर्माचार्य महामंडलेश्वर हर कोई यहाँ मौजूद है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है। आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है। और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना, धरती पर नवयुग लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है, जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है, जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, जिस तरह से हम कह रहे थे ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में, इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम, भगवान भरत, श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाइयों के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शनों को प्राप्त होंगे, तीर्थयात्रियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में, क्योंकि कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण यानी रंग है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए, और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है। और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी शुभ मुहूर्त में, उसके बाद उसी पुराने विग्रह के साथ में जो रामलला के साथ देख रहे हैं के सामने चार भाइयों के साथ में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है वो भी दर्शन देंगे, जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप देखिए कि जो कितनी अद्भुत छवि है, उनके हाथ में धनुष बाण दे रहे हैं और उन्हीं प्राचीन मित्रों के साथ समक्ष बैठ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जगत के कल्याण की कामना करने के लिए संकल्पबद्ध हो रहे हैं और भारत को, भारतीयता को, सनातन शांति और सद्भावना के प्रसार के लिए जो ये जो सनातन धर्म ने जो ये अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री आज इस ये भावना हमेशा घनीभूत रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो क्षण देखा जब 9 और 10 नवंबर 1989 को प्रधानमंत्री ने उस समय देखा अनिकेत एक लेख में साधना पत्रिका में, और उन्होंने कहा कि यह क्षण सांस्कृतिक स्वतंत्रता का जयघोष करता है, हिंदू चेतना एक प्रकाश स्तंभ का दिन है जब रामशिला पूजक हुए। साथ ही साथ 1990 के दशक में आडवाणी जी के रथ यात्रा के प्रसार से गुजरात में समन्वय की भूमिका में रहे, तत्कालीन भाजपा महासचिव के रूप में 6 महीना का उन्होंने भ्रमण किया। उस भ्रमण के दौरान दौरा नहीं पड़ा जिसमें केवल जल का भोग करके ही 6 करोड़ से अधिक गाँव में का कुशल संचालन किया, समन्वय किया। सोमनाथ से अयोध्या की इस यात्रा के सारथी के रूप में अगर देखें तो एक वीरव्रती के रूप नवरात्र के समय जल पीकर 18 घंटे से एक वीरव्रती के रूप में प्रधानमंत्री ने तत्कालीन महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे अंशदान किया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें 1992 में 14 जनवरी कार्यकर्ता के रूप में आए थे, शपथ लिया था। यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उनका पुनरागमन और भाषण आज अंकं खं 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 नम आ
हेलीकॉप्टर अब सरयू मैया और राम की पैड़ी की ओर जाएंगे। वहीं पर संपूर्ण भारत और संसार के मीडिया कर्मी अर्थात इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब वहीं पर एकत्रित हैं।